नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। कल है निफ्टी की एक्सपायरी, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। कमेंट सेक्शन में पहले जरूर बताना है कि अभी का मार्केट कितना गंदा चल रहा है, जिससे ऑप्शन बायर्स की सही में हालत खराब हो रही है। ना तो ढंग से ऑप्शन कॉल बायर को दे रहा है, ना तो पुट बायर को पैसा ढंग से दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ फंसा चल रहा है। कल है निफ्टी की एक्सपायरी, तो कल का एक्सपेक्टेशन फटाफट हम लोग देख लेते हैं। कल अगर निफ्टी हल्का सा गैप अप खुल जाएगा तो यहाँ पर ट्रिकी सिचुएशन होने वाली है। वो क्यों? क्योंकि ऊपर से एक ट्रेंड लाइन चला आ रहा है, इसको मैं ड्रॉ करके बताता हूँ। ये वाला ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड ऐसा लाइन हो चुकी है कि जब कभी भी मार्केट इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, मार्केट में बहुत गंदे तरीके से प्रेशर बढ़ रहा है, बहुत गंदे तरीके से। यहां से भी प्रेशर आया और मैं इसको कंटिन्यूसली ऑब्जर्व कर रहा था। इसके बाद का मार्केट में जो भी हो रहा है, इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पुट एग्रेसिवली आ रहे हैं और यहाँ पर मार्केट में पुट साइज पैसे कमा रहे हैं। तो अगर यहाँ पर आप इतने माइक्रो कैलकुलेटेड हो कि भाई इसके बाद ही अगर आपको शॉर्ट करना है या फिर पी बाय करना है, तो आई थिंक हर एक बस बस की बात नहीं होती है बच्चे की। तो यहाँ पर अभी ये हो सकता है कि कल अगर यहाँ पे हल्का सा गैप अप खुल जाए, लेट्स इमेजिन 24,960 के आसपास हम लोग क्लोज हुए हैं। अगर ये हल्का सा गैप अप खुलता है तो बहुत ट्रिकी सिचुएशन हो जाएगी। मार्केट थोड़ा सा यहीं पर टाइम स्पेंड करने वाला है, क्योंकि 25,000 एक राउंड अप नंबर है। अब मेरे को करना क्या है, कल अगर थोड़ा सा यहाँ पर टाइम स्पेंड कर देता है तो पहले ब्रेकआउट का होगा हमारा 25,052। ये वाला जो नंबर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 3-4 बार अटेम्प्ट कर चुका है। पहला फेल, दूसरा फेल, तीसरा फेल, चौथा, पांचवा, छठा, 6 बार यहां पर मार्केट फेल हो चुका है। तो पहला लेवल हमारा कौन सा हो सकता है, 25,050 का। ये लेवल हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको मार्केट में ब्रेकआउट होने देना, प्रॉपर कैंडलस्टिक। और ब्रेकआउट का मतलब यहां पर क्या होता है, ये अगर ऐसा एक कैंडलस्टिक आ रहा है और दूसरा सीधा सीधा कैंडलस्टिक बन जा रही है, तो यहां पर कोई भी एंट्री लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर वापस से ट्रैप कर देगा और यहां पर भी आपको पीठ में धप्पी मार देगा। लेट्स इमेजिन कल अगर मार्केट हल्का सा गैप डाउन खुल जाता है, कल यहाँ पर हल्का सा इसी जोन के आसपास खुल जाता है जहां से मार्केट बार बार स्विंग ले रहा है, नियर अबाउट 900 के आसपास। तो हमें करना क्या है, मार्केट में हम थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने देंगे और यहाँ पर देखेंगे क्या है, यहीं पे एक हल्का सा प्राइस एक्शन बना रहा है। मार्केट में अगर ऐसा गिरा है और इसके बाद हल्का सा ऊपर आने के बाद वापस से अपना फर्स्ट स्विंग को ये तोड़ करके नीचे जा रहा है, तो हम यहाँ एग्रेसिवली शॉर्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने बहुत बार टाइम स्पेंड कर चुका है। तो फर्स्ट टारगेट इसका हो जाएगा 24,750 का। ये इसलिए होगा क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स बार अटेम्प्ट किया है अपने आप को सेव करने के लिए, मल्टीपल टाइम बार अटेम्प्ट किया अपने आप को सेव किया। ये वही जोन है जहां से मार्केट अपना पेनफुल, एक पेन जोन बता सकता है और सीधा नीचे गिर जाएगा। कौन सा लेवल है ये वाला, 24,750 का निफ्टी का। ओके तो यहां पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड होने देना, और अगर नहीं आपको पेशेंस हो रहा है तो कल मेरे हिसाब से करो ही मत, क्योंकि कल थ्रू आउट अगर कोई गेम चेंज हो गया तो मार्केट पूरा सेलर के हाथ में चला जाएगा। एक बार छोटे से ऑप्शन डेटा देख लेते हैं। मैं बहुत सरप्राइज हूं कि अभी कल है एक्सपायरी और यहां पर कॉल राइट करके गए हैं। यहां पर देखो 25,100 पूरा खा गए इनने पैसा, 25,000 मतलब समझ रहे हो, 25,000 के ऊपर पूरे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। इतना दिलेरी तो मैंने आज तक नहीं देखी यहाँ पर। और यहाँ पर ऑब्वियसली सबने छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पुट भले ही आपको दिख रहा है बट ये उतना अच्छा प्रीमियम्स का जो हमको बेनिफिट रिस्क और रिवॉर्ड रहता है वो नहीं मिला है, भले ही मार्केट नीचे आए। यहाँ पर राइटरों की 12 बजे, इसलिए उन्हें छोड़ के चले गए। तो यहाँ पर मेन मुद्दा है कि अभी कॉल राइटर जम के हो रही है रादर देन कॉल सेलर्स की, ठीक है, मतलब पी बायर्स की। तो यहाँ पर हम ऐसे मार्जिन में लेके चलेंगे कि अभी सेलर चाहते हैं कि 25,000 के ऊपर मार्केट ना आए। बात कर लेते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में हम लोग लाइव आए थे तो हमने कहीं ना कहीं डिस्कस किया था, ये ट्रैप हमने पहले ही पकड़ लिए थे। अगेन इट वाज अ ब्रेकआउट। आप देखोगे यहां से मार्केट अच्छा खासा एक प्राइस एक्शन बनाया। प्राइस एक्शन बनाने के बाद ये वाला जो एरिया होता है बड़ा पेनफुल होता है। यहीं से मार्केट होता है ऊपर जा सकता है, नहीं तो यहीं से मार्केट हो सकता है नीचे आता है। और जिस हिसाब से मार्केट नीचे जा रहा था कहीं ना कहीं यहाँ पे पेनफुल हो रहा था सी बायर्स के लिए, और उसका फायदा उठा लिया यहाँ पर कॉल सेलर्स ने। कल बात कर लेते हैं, अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी हल्का सा गैप अप खुल जाता है, गैप अप खुलने के बाद सिर्फ और सिर्फ हमको वेट करना है 51,900 लेवल का।
अगर इसको प्रॉपरली यहाँ पर मार्केट ब्रेकआउट देता है, इसको हम थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं, इसको यहाँ पर ब्रेकआउट देता है, पहला यहाँ पर देखना 15 मिनट का कैंडलस्टिक, 15 मिनट का कैंडलस्टिक क्या यहाँ पर ग्रीन बन रहा है? अगर ग्रीन बन रहा है तो एक उसका छोटा सा एसएल लगा लेना कैंडलस्टिक का लो, और 1:2 के हिसाब से यहाँ पर टारगेट मैनेज करके चल देना। तो आपको यहाँ पर भी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जैसे आपसे हम लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं, ये बहुत नेरो रेंज हो चुकी है बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों के लिए। बट यहाँ पर सपोज करते हैं कि बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, साइडवेज भी नहीं खुलता है, गैप डाउन खुल जाता है, तो भी यहाँ पे हमको वापस से बैठ जाना पड़ेगा एक प्राइस एक्शन के लिए। हो सकता है यहाँ पे वापस से ऐसा कैंडलस्टिक बना दे, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा है, हमको सेलर्स का जोन मिल सकता है, लिक्विडिटी लेकर के ऊपर जा सकता है इन लोगों के लिए। और पीछे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट का जोन बैठ चुका है। कौन सा लेवल है? क्योंकि बार बार यहाँ पर भी एक अच्छा खासा सपोर्ट भी दिख रहा है अपना 51,650 के आसपास। अगर इसको भी तोड़ देता है तो सीधे आप बैंक निफ्टी नीचे चला जाएगा 51,200 के आसपास। तो ये लेवल आप लोग ध्यान रख लेना फर्स्ट। अगर 800 के नीचे डायरेक्ट खुल रहा है सो सी फॉर प्राइस एक्शन फर्स्ट। यहां से अगर मार्केट इसको तोड़ता है तो नीचे जाएगा, अच्छे फ्लो स्टडी से हमको पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर यहां पे सस्टेन कर रहा है तो देन 15 मिनट का कैंडलस्टिक फटाक से स्विच हो जाना, और हमारा 900 का लेवल वेट करना कि यहां से मार्केट ऊपर भाग रहा है नहीं भाग रहा है। तो कल अगर 900 को तोड़ता है तो हमको एक अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग जोन मिल सकता है, लाइक फर्स्ट टारगेट हम लगा सकते हैं 52,000 का डायरेक्टली, और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो डायरेक्ट हमको मिल जाएगा 52,200 का। बहुत बड़ा लेवल है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट बहुत दिनों से एक ही जगह फंसा हुआ है। तो फोकस फर्स्ट निफ्टी के लिए, अगर हमको ऑप्शन सेलिंग की यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही गो विथ सेलिंग, लेकिन अगर लेवल्स तोड़ रहा है तो गो फॉर ऑप्शन बाइंग। आई होप वीडियो में कुछ नया सीखने मिला होगा। अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अवर एनालिसिस क्लास। टेक केयर।